वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू राउमी चैनल 2023। तो नैनीताल की पहली सुबह है आज हमारी यहाँ पर। तो अब मैं आपको सुबह का व्यू दिखाने वाला हूँ जस्ट। तो आर यू रेडी फॉर दैट? इससे पहले हम बताना चाहते हैं, मैं यहाँ 3 बजे से उठी हुई। ये सुबह का वेट कर रही थी, ये सोच रही थी कैसे हम कल घूमेंगे क्या घूमेंगे। तो ये एक्साइटेड के मारे कल रात में सोई नहीं है, नींद नहीं। काफी बार 3 बजे खुली, फिर थोड़ी देर में खुली, फिर एक बार तो मैं उठ के देख रही थी उजाला हुआ नहीं हुआ। तो अभी से छोड़ दे, बहुत बड़ा टॉपिक है। और आगे अपना सफर कंटिन्यू करेंगे और सारी चीजें देखेंगे जो जो हमने डिसाइड की है और आपको भी बताएंगे। तो लेट्स सी। ओह मॉर्निंग व्यू, गुड मॉर्निंग नैनीताल, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह बर्ड्स का ची 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 बोलना। पहाड़ों की बात ही अलग है, तो प्योरनेस है, काफी प्योरनेस। यहाँ की हवा, ना यहाँ पर क्राउड है, यहाँ ना पॉल्यूशन है, बिल्कुल शांत वातावरण। और हम उठ भी बहुत जल्दी गए थे, 5 बजे उठ गए थे, मैंने शूट नहीं किया बिकॉज ऑफ अंधेरा हो रहा था काफ़ी। अंधेरे में हम शूट करते तो कुछ पता लगता नहीं, तो मैंने इंतज़ार किया उजाला होने का। सनराइज़ तो हुआ नहीं अभी, इवन इतना प्यारा व्यू है, देखिए आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय। बहुत ही ज़्यादा देर बाद आई है हमारी चाय। दिखाइए जरा, चाय को रिवील करते हैं। चाय का सभी बहुत नाइस था। रील्स बनाने के लिए और ये पूजा जा रही है आगे ट्राइपॉड लेते हुए। पूजा तो मेरी गुस्सा हो रखी है, बस मैंने इसे जल्दी उठा दिया रील बनाने के लिए, इसलिए सोने की आदत। तो दोस्तों हमने रील वगैरह शूट कर लिया, काफ़ी टाइम से हम यहाँ शूट कर रहे थे और काफ़ी टाइम से वो भाई लोग हैं हमें देख रहे थे। वो देखो, देख सकते हो, से हेलो। ये भाई लोग हमें देख रहे थे काफ़ी टाइम से, हम रील शूट कर रहे थे। तो आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे देन आगे खाना वगैरह खाएंगे। पैसा पैसा खाना खाना, पैसा 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 खाना खाना, वैसा इनको सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं आता। अब लोग हो गए तैयार, अब हम नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो कि नीचे अरेंज कर रखा होगा हमारे ताऊजी ने, ब्रेकफास्ट करेंगे देन बाहर माल रोड की तरफ निकलेंगे, जो कि हम लास्ट नाइट आपको दिखा नहीं पाए वहाँ के व्यू। ताल वगैरह दिख नहीं देते, रात हो गई थी, तो वो चीज़ हम अभी आपको दिखाएंगे। तो जल्दी जल्दी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग रही है। सुबह से रील वगैरह शूट कर रहे हैं, टाइम से उठने के बाद भी पूजा को लगता है टाइम। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने लास्ट टू लास्ट हर ब्लॉग में बोला होगा, पूजा लेती है कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तैयार होने में, बट फिर भी पूरा प्रॉपर तैयार नहीं होती, अभी भी तैयार हो ही रही है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि पूजा और कुछ सामान भी नहीं रखते, नल्ली कैसी लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छे से लगाओ ताला, बहुत सारा महंगा सामान है मेरे अंदर। मैडम अच्छे से ताला लगाओ। तो अब हम बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, नीचे देखेंगे क्या क्या बना है ब्रेकफास्ट में। कल तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें थी, डिश थी, आलू गोभी, पकौड़ा कड़ी और राइस, चपाती
एंड दाल, तो ये सारी चीज़ थी, और प्लस रायता और सैलेड, तो ये सारी चीज़ थी कल। तो अभी हम जाके देखेंगे क्या क्या होगा। और वो तो अच्छा था कि कल ना लहसुन प्याज नहीं था, बस सैलेड में प्याज था, तो मैंने साइड कर दिया। अभी खाने में लहसुन प्याज से सारा झंडी का लगता, तो मैंने कल ये अब हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने, पेट पूजा के लिए तो आना ही पड़ता है। तो ये है चना 60, सो पूरी गरम गरम गर्मा गर्म पूरी भी खा लेंगे, तीन को ही रखते, चार रखते हैं। वाओ, अच्छी अच्छी पूरी भी नहीं रखते हो। तो चलते हैं गाइस, ये है हमारा नाश्ता। सो अभी हम हो गए अच्छे से रेडी, मतलब मैं परफेक्टली रेडी हो चुकी हूँ, और अब हम जा रहे हैं नीचे मॉल रोड की तरफ को, और साथ में मंदिर है, मैंने देवी मंदिर, वहाँ भी जाएंगे, और जो इनके क्या कहते हैं दोस्तों से उनको बुलवाने भी जाएंगे, पुरानी यादें ताज़ा करने, इनकी वही बचपन की दिन याद आएंगे इनको। तो वहाँ तक जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या रास्ता होगा, जू क्या है, जू इनका, इन्हें इसे मैं वहाँ से लेके आया हूँ। हाँ मुझे वहाँ से लेकर आया, देखिए वैसी लगती हूँ ना मैं, बंदा जैसी, कुछ नहीं कह सकते इनसे कौन लड़े। तो अभी निकलते हैं हम अपनी लोकेशन के लिए, और आज की व्यू आपको हम वहाँ पर चल के दिखाएंगे, साथ में बोल रोड भी दिखाएंगे और नैनीताल भी दिखाएंगे, और लेट्स सी हम वहाँ पर जाके बोटिंग करते हैं, ज़्यादा के करेंगे वोटिंग। अब आए हैं तो ताल की गहराइयों में भी जरा जाए। ताल की गहराई में इसको कुदा दूंगा। इनसे यही उम्मीद है ताल की गहराइयों में मुझे कुदा, देखते हैं ये मुझे कुदाते या मैं नहीं कुदाती हूँ। हम पहुँचने वाले हैं नैना देवी मंदिर, और ये है एक प्ले ग्राउंड यहाँ पर, जो नैनीताल का बहुत ही फेमस प्ले ग्राउंड है, जो की क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पर मैच चल रहा है, यहाँ ये सारी ऑडियंस बैठी हुई है देखने के लिए, पीठ उधर करके, मगर ऑडियंस बैठी तो है बट पीठ उधर करके बैठी है, कोई मैच देख नहीं रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी नैना देवी मंदिर, और उसके बाद देखेंगे बोटिंग वगैरह करेंगे, सामने बोटिंग वगैरह हो रही है, ज़्यादा नहीं होगी तो हम छाव मार देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे जू पूजा के घर में, जो पूजा का असली घर है। मेरा कोई घर नहीं, इनकी दोस्त रहते हैं। तो पूजा के घर वाले उसको वहीं से लेकर आए थे, ऐसा उसके पापा ने मुझे कान में बोला था शादी के बाद, कुछ भी हे पूजा एक्चुअल में हमारी असली लड़की नहीं है, उसको हम लेकर आए थे नैनीताल जू से। हाँ तो वो उसका असली घर है, तो मैं उसको वहीं छोड़ के आऊंगा, ठीक है। मंदिर के पास एक छोटी सी मार्केट है, मैं आपको 360 व्यू में दिखाता हूँ ये। तो गाइस पूजा मांग रही है एक मुराद, जो कि पता नहीं पूरी होगी तो पूजा यहाँ आएगी दोबारा ये खोलने के लिए यहाँ पर। जय माता दी सभी को, तो माता के दर्शन हो गए, माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को दर्शन वगैरह नहीं करवा पाया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर परमिशन नहीं होती है, मजाक कर रहा हूँ, मैंने वीडियो फिर भी बना ली है, और मैं आपको दिखाऊंगा माता के दर्शन भी कराऊंगा। हाँ तो दर्शन कर लिए, अब यहाँ पर हो रही है एक्टिविटीज, तो पीछे बोटिंग वगैरह हो रही है, अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि जाना है बोटिंग करने के लिए या नहीं जाना। यही पे हम पास देख रहे हैं तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, देखो सीरियसली नहीं होंगे एक हाथ जितनी होंगी मेरे, देखो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर।
सेवा में रहती हैं यहाँ पर। एक नई अपडेट आई है, दान पत्र में भी बार कोड लगना चालू हो गए, तो अब कैश का कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पर, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। भैरव बाबा को यहीं से दर्शन कर लो और ये रहा बार कोड, इसमें स्कैन करके डाल दे रहे हैं पैसे, भैरव बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और यहाँ पर है हमारी संतोषी माता, श्री राधा कृष्ण मंदिर, सभी के दर्शन करा दूंगा आपको। यहाँ है हमारे तो दोस्तों ये है 10 अवतार मंदिर, यहाँ पे विष्णु जी के जो भी 10 अवतार हुए थे वो सारे मंदिर है अंदर, तो अब आपको दिखाएंगे वो पूजा। जय माता दी। तो हम आपको श्री नारायण जी के 11 अवतार के दर्शन कराएंगे, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अवतार है शिव पार्वती अवतार, कृष्ण अवतार, तो कलिक अवतार अभी आए नहीं है, वो आएंगे आने वाले कलयुग में, तो अब जो भी अवतार होगा वो कलिक अवतार होगा श्री नारायण जी का। ये हमारे एक भैया जी काफी देर से राफ्टिंग करने की सोच रहे हैं, वो भी सिंगल राफ्टिंग, और काफी बार बहुत मेहनत कर रहे हैं, डूब जा रहे हैं, देखते हैं उनका उसको खींचने में हो नहीं रहा। यस 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 यू कैन डू इट। और ये भाई की कोशिश सफल हो रही है धीरे धीरे, ये फाइनली 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 भाई गिर जाओ, आप गिर जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, होगा 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 होगा, कितना स्ट्रगल सही होता है। और ये गया भाई, कोई नहीं, फिर से आगे। पतिदेव अपनी ड्यूटी निभाते हुए लेकर आएंगे यहाँ से निशुल्क से, निशुल्क जूते चप्पल रखने की सेवा से। दोस्तों दर्शन वगैरह कर लिए हमने, अब हम पढ़ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, तो ये कुछ माल लोड से होते हुए निकलना पड़ता है यहाँ पर, छोटी सी ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पर देख सकते हैं, तो वोटिंग करनी है। क्या चार्जेस हैं भैया? अच्छा वोट का है 320 रुपये कपल, तो हम वोटिंग करेंगे ओके। चलो भैया जी मिल गए हमें, भैया जी के साथ साथ जा रहे हैं, भैया जी के जितने बड़े बाल हैं ना उतने बड़े मेरे को भी करना है, तो भाई मैं भी अपने बालों को बढ़ा रहा हूँ, देखो हल्के फुल्के बढ़ गए, तो ऐसा व्यू है यहाँ का। तो हम नैनीताल में है, ताल के बीच में जाने की तैयारी में, ताल में घुस चुके हैं हम, अभी तो कोने में थे, अब सेंटर में आएंगे, तो पूरा आनंद लेते हुए, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा, मस्त खुला आसमान, चारों तरफ पानी, तो इसी वेदर को हम मिस कर रहे थे दिल्ली में, वो चीज हमें यहाँ पर मिल गई आकर।
अच्छा तो भाई अपना बैलेंस सेट कर रहे हैं, हमें थोड़ा यहाँ से सेट करके। चार्जेस हैं 420 रुपए, अगर आपको एक लॉन्ग राइड करनी है तो 420 रुपए है, और शॉर्ट में करनी है तो 320। और अगर पूरा ताल घूमना है तो बताइए। तो पूरा ताल घूमना है तो पूरा ताल भी आपको घुमा सकते हैं भाई 820 रुपए में। तो जब कभी भी आप नैनीताल में आए तो ये हमारे भाई हैं मनोज जी, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मनोज जी नाम ले लेना, हर कोई जानता है भाई को, और भाई के थोड़े बाल लंबे लंबे तो इजिली आपको मिल जाएंगे, तो इनके पास ही आना, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ स्पेशली। ये भाई बहुत अच्छे हैं, ये हमारे पहाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड से ही है, तो अपने अपने भाई को सपोर्ट, मतलब अपने भाई के ही पास आना और बोटिंग इनसे ही करना, साथ में सफ़र भी अच्छा कटेगा और मज़ा भी आएगा। तो ये बताओ कि आपको हमारी लव मैरिज लग रही है या अरेंज मैरिज लग रही है? लव मैरिज नहीं है हमारी, हमारी अरेंज मैरिज है दोस्तों। गाइस सबको यही लगती है, सबको यही लगता है कि हमारी लव मैरिज है, बट ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी ढूंढ के लाई है इसको। चाहता तो मैं लव मैरिज ही था, हो जाओ, चाहती मैं भी लव मैरिज थी। सत्ताईस अट्ठाईस और मेरी भगवान भैया 22 साल अभी मेरे, अभी अभी कंप्लीट हुआ है मुझे 23, और मेरी है 30 23 और 30। अरे पहाड़ी है ना, कुछ तो पहाड़ी का फायदा उठाएंगे। तो गाइस पानी को टच करने में बहुत डर लग रहा है, बिकॉज बोर्ड ऐसे 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 हिल रही है, हमें पानी में गीला नहीं होना है। रहन दो, मत निकालो। जरा मठ मठ तो वोटिंग हो चुकी है और बहुत मजा आया, वोटिंग बहुत मजा आया, साथ में वो भाई हमारे साथ भाई थे, मनोज नाम था उनका, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा बात बात करके ऑडियो के साथ। अपनी पहाड़ियों में जहाँ मुझे कुछ कोई पहाड़ी दिखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने बंदे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पर एक लवर पॉइंट है, सॉरी, और सुसाइड पॉइंट भी है, तो सुसाइड पॉइंट में हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है, बिकॉज वी आर न्यूली मैरिड, तो देखो लव पॉइंट भी बहुत दूर है और वहाँ पर हम अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं लेके जाते हैं सकते, टैक्सी करनी पड़ेगी, और आज के दिन में हमें तो ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर सकते क्योंकि इवनिंग तक हमें रिटर्न भी दिल्ली के लिए निकलना है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या प्लान करते हैं, हम दोनों भी बोल के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। यार ये कसम से कितने भैया तुम बोल रहे मैं मिले। तो अब हम आ गए हैं ताल के ही साथ में, तीन मंदिर हैं, तो पहला मंदिर है भैरव बाबा जी का, फिर गुरु देवता, देन हमारे महाकाल सिद्धि जी का मंदिर है, तो मैं अब उन मंदिरों के भी आपको दर्शन कराऊंगा साथ ही साथ में, ये बिल्कुल जस्ट ताल के साथ में ही है। तो देखिए तो हमारा फर्स्ट मंदिर है शनिदेव महाराज का,
तो यहाँ पर बैठे हैं हमारे सनी देव जी, आपको ढंग से दिख नहीं रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ। जय महा सनी देव जी। तो यहाँ बैठे हैं हमारे श्री गोलू देवता जी। चले यहाँ से चलते हैं। ये हमारे देवता है, वहाँ अंदर बैठे हैं हमारे गुरु जी। और आप दिखा कर आते हैं। चलो बढ़ो आगे। तो पूजा को मैं ऑलवेज फर्स्ट ले भेजता हूँ, बिकॉज लेडीज फर्स्ट, यू नो वेरी वेल। और जैसे कि लड़कियाँ माता का अवतार होती हैं, इसका जी। चलो ये हमारे गुरु देवता जी। बेटा ये बहुत पावरफुल जगह है इसकी वीडियो। अब हम आ गए हैं भोलेनाथ, महाकाल, देवों के देव, हमारे शिव जी जी के मंदिर में। तो ये तीसरा मंदिर हमारे शिव जी जी का है। तो देख सकते हो वो बैठे हमारे भोलेनाथ जी। थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप वहाँ बैठे हैं शिव जी। अंदर तो अलाउड नहीं है, वहीं गेट से दर्शन करने से, बाकी आप लोगों को दर्शन करा दें। महाकाल सभी लोगों को खुश रखें, सभी की मुरादें पूरी हों। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसे कि मैंने सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि नैनीताल का वेदर है वो चेंज होता रहता है, तो अभी हमने वो लाइव देखा है। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर धूप हो रही थी, अच्छी खासा सनराइज हो रहा था, और एकदम से मौसम बहुत चेंज हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप तो गायब ही हो गई है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे सब चीज भी अच्छे से, मतलब हवा इतनी ताज़ी चल रही है, इतनी फ्रेश चल रही है, तो बता नहीं सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ, बट बहुत मजा आ रहा है, यहाँ का वेदर ऑसम है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने बहुत सारी वीडियो वगैरह शूट करने के बाद, वीडियो शूट करी उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने, और यहाँ पे पतिदेव अकेले अकेले पान वाली आइसक्रीम का मजा लेते हुए जो कि मैं ऐसे छीनती हूँ जो कि मैं छीन के दिखाती हूँ, मैं कैसे छीन गिर जाएगी अभी मैंने छीनी थी, फिर एक आध